नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं ललितपुर की खास खबरों के लिए। ललितपुर में आशा कार्यकर्त्री महासंघ ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नाम भेजा। ज्ञापन में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज उठाई गई और बताया गया कि आशा कार्यकर्त्रियां विगत 14 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं और अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों के संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया है। वहीं आज फिर सभी आशा कार्यकर्त्रियों ने एकत्रित होकर जिलाधिकारी ललितपुर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज फिर ज्ञापन दिया गया और कहा कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों पर प्रदेश सरकार विचार करे, क्योंकि आशा संगिनी एवं आशा कार्यकर्त्रियां जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अपनी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारी मांगों को पूरा किया जाए, जिससे हम सभी आशा कार्यकर्त्री अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वहीं आशा कार्यकर्त्रियों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी समय में समस्त आशा कार्यकर्त्रियां धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगी। ललितपुर से मजीद मंसूरी की रिपोर्ट। हम ललितपुर की आशा संगनी, हम लोग कोरोना काल में जो कार्य किया है उसका ना तो अभी तक कोई पैसा मिला है। 14 वर्षों से हम लोग दिन रात कार्य कर रहे हैं, जो सरकार को कई सरकार आई और गई हैं, मगर किसी सरकार ने हम लोग का सुध नहीं लिया है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जी हैं, उनने आह्वान पर हड़ताल के लिए कहा है। हम डीएम साहब से ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को बताने आए हैं। अगर इन मांगों पर अमल नहीं किया गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, 10 सूत्र मांगे हैं हम लोगों को। सबसे पहली मांग है हम लोगों को परमानेंट किया जाए। जो 24 घंटे दिन रात हम लोग कार्य करते हैं, उस हिसाब से हम लोगों को बिल्कुल परमानेंट करने की सरकार को अति आवश्यक ज़रूरत है, और वो ज़रूरत नहीं की इन लोगों ने पूरी, तो हम लोग उग्र रूप में धरना रखेंगे। और दूसरी मांग जो है, जो आप कहते हैं कि आयुष्मान भारत जन जन तक पहुंचाइए जो लाभ, और हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं, मगर हम लोगों तक वो लाभ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि हम लोग भी तो सरकार के ही हैं, कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को कोई तनख्वाह नहीं है, कम से कम हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक बीमारी के इलाज के लिए भी आयुष्मान भारत का लाभ मिलना चाहिए। हम लोग डिप्लोमा करते हैं, सब करते हैं, मगर हम लोगों की कोई सुध नहीं ली है।